हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं लव और मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसे सेटिंग के बारे में जिसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फोन ही खुद आपको पढ़ के सुनाएगा क्या लिखा है, चाहे कुछ भी है आपको ये फोन ही पढ़ के सुनाएगा। तो मैं बात करने वाला हूँ सिलेक्ट टू स्पीक के बारे में, जिसके बाद ये फोन खुद आपको पढ़ के सुनाएगा। बस उसे सिलेक्ट या कॉपी करना पड़ेगा जिससे ये फोन आपको पढ़ के सुनाएगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे ये सेटिंग करना है और क्या करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मुझे पता है आप वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। तो अब आपको लेके चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और बताते हैं या दिखाते हैं कि कैसे आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना सेटिंग ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद अब एक्सेसिबिलिटी से भी इस ऑप्शन में जा सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए आपको क्या सर्च करना है, सिलेक्ट टू स्पीक। सिलेक्ट टू स्पीक, ये देखिए आ गया है। यहाँ से आप ये देखिए, ये खुद अपने से ही ये ऑप्शन को दिखा रहा है सिलेक्ट टू स्पीक। इसी ऑप्शन को आपको ऑन करना है, मेरा ऑन है, और आप इसी ऑप्शन को एक्सेसिबिलिटी से भी जाके कर सकते हैं। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए एक्सेसिबिलिटी सेलेक्ट टू स्पीक, इसी में जाना है आपको। ये देखिए मेरा ऑप्शन ऑन है, इसको बंद करके फिर चालू करते हैं। ये देखिए अलाउ कर दीजिएगा, उसके बाद यूज़ ये ऑप्शन। देखिए मेरे यहाँ नेविगेशन यूज करता हूँ मैं अपने फ़ोन में, तो ये ऑप्शन दिखा दे रहा है। दो उंगली से नीचे से ऊपर स्क्रॉल करना है तो ये ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। तो ये तो हो गया दो उंगली से, और एक ऑप्शन है अगर उसको करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ होल्ड वॉल्यूम कीज़, तो इससे भी आप कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं करूँगा। आपको और एक ऑप्शन दिखा देता हूँ, तो आपको सिंपली नेविगेशन में जाना है। ये देखिए नेविगेशन, सिस्टम नेविगेशन, ये रहा। इसको आप थ्री बटन में क्लिक कर दीजिए। थ्री बटन में क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ नीचे ऑप्शन आ गया होगा, एक इंसान का लोगो आया होगा। तो यहाँ से आप बैक चलते हैं, यही ऑप्शन है। तो फिर से हम एक्सेसिबिलिटी में चलते हैं, सिलेक्ट टू स्पीक में, ये देखिए। तो इसको मैं जैसे भी बंद कर देता हूँ तो ये जो इंसान का सिंबल था ये गायब हो गया, देखें आप। फिर से ऑन किया, ये देखिए फिर से आ गया। और इस सेटिंग को आपको ये देखिए यहाँ से दिखा रहा है ये। आप अगर चाहें तो वॉल्यूम की से भी कर सकते हैं, और ये सिंबल का निशान आपको मिलेगा तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप करिए। अब आपको इसको मैं कॉपी करके या आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो सिंपली आपको इस इंसान के सिंबल में क्लिक करना है, और यहाँ से जहाँ भी आप सिलेक्ट करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, अब ये हमको पढ़ के सुनाएगा। When select to speak is on, you can tap specific items on your screen to hear them read aloud. How to use select to speak? Start select to speak, then you can tap a specific item, like text or an image. Drag your finger across the screen to select multiple items. Tap the play button to hear everything on screen. Select text that appears inside the camera view. तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे हमको पढ़ के सुनाया। अब हम और किसी चीज़ को पढ़ के सुनाते हैं आपको, मतलब ये फ़ोन आपको पढ़ के सुनाएगा। तो यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं, चलते हैं क्रोम में।
अब यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले आप इस चीज़ को ऑन कर लीजिए। ये देखिए इंसान के सिंबल में जो लोगो है उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं। बिलासपुर : सीएम भूपेश बघेल की कड़ी आपत्ति और कांग्रेस के विरोध के बावजूद छत्तीसगढ़ में फिर 21 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 21 ट्रेनों को रद्द। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे फोन मुझे पढ़ के सुना रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको ये सेटिंग करना है और कैसे क्या करना है। तो ऐसे आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम में फॉलो करें तो उसके लिए लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ या किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।